अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही परफेक्ट KFC स्टाइल चिकन पॉपकॉर्न की रेसिपी शेयर करूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप भी बहुत आसानी से KFC स्टाइल चिकन पॉपकॉर्न घर में बना सकते हैं। तो अगर आप भी परफेक्ट KFC स्टाइल चिकन पॉपकॉर्न घर में बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो एंड तक ध्यान से ज़रूर देखें। चिकन पॉपकॉर्न बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 300 ग्राम्स ऑफ चिकन ले लिया है। इसको इस तरह से बाइट साइज पीसेस में कट कर लिया है। अब सबसे पहले हम चिकन का मैरिनेशन स्टार्ट करेंगे। तो चिकन मैरिनेट करने के लिए हम ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून वाइट विनेगर, 1 टीस्पून हम ऐड करेंगे हॉट सॉस, या आप कोई रेड चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। फिर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर ना हो तो आप कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। फिर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे हम यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर। फिर हम ऐड करेंगे यहाँ पर सॉल्ट टू टेस्ट। तो देखिए यहाँ पर सॉल्ट मैंने थोड़ा कम ही ऐड किया है, 1/2 टीस्पून ही सॉल्ट ऐड किया है मैंने यहाँ पर, क्योंकि जब हम चिकन की कोटिंग करेंगे, कोटिंग के मिक्सचर में भी हम सॉल्ट ऐड करेंगे। फिर हम यहाँ ऐड करेंगे 1/4 कप ऑफ मिल्क। मिल्क हमें इतना ऐड करना है कि सारे चिकन के पीसेस उसमें अच्छी तरीके से डिप हो जाए। अब हम यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर हम चिकन को मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। कम से कम 2 आवर्स के लिए हम चिकन को मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं। ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे तो चिकन और भी हमारा टेंडर और जूसी बनेगा। तो देखिए चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है यहाँ पर। हम चिकन की कोटिंग की प्रिपरेशन कर लेंगे। तो चिकन की कोटिंग करने के लिए यहाँ पर हम लेंगे 1/2 बोल कॉर्नफ्लावर, 1/2 बोल ही हम लेंगे यहाँ पर मैदा। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर लेंगे, 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा है। मैंने पेपरिका पाउडर ऐड किया है। 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे हम यहाँ पर गार्लिक पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। अब सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले जो कॉर्नफ्लावर मैदा में बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। अब चिकन को कोट करने से पहले हम उसमें एक एग ऐड कर लेंगे। अब अच्छी तरीके से एग को हम चिकन में मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब हम चिकन की कोटिंग स्टार्ट कर लेंगे। हम हाथों से चिकन को कोट करेंगे। अब एक एक पीस लेकर हम यहाँ पर मैदे में इस तरह से कोट कर लेंगे। जो हमारा ड्राई वाला हैंड है हम उससे कोट करेंगे। फिर बाद में मैंने यहाँ पर आइस कोल्ड वाटर ले लिया है। चिकन के पीसेस को आइस कोल्ड वाटर में डिप करेंगे। तो थोड़े थोड़े पीसेस हम इस तरीके से कोट करके ये वाटर में डिप करेंगे। तो देखिए पहले हम थोड़े पीसेस ही करेंगे, क्योंकि जितने पीसेस हम कोट करेंगे उतने पीसेस हम हाथ के हाथ फ्राई करेंगे। हमें कोट करके चिकन के पीसेस को ज़्यादा देर रखना नहीं है। अब मैं यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप बताऊँगी। ये पीसेस को चिकन के निकाल के हम इस तरह से मैदे में कोट करके थोड़े से इस तरह से प्रेस करते हुए कोट करेंगे। तो कोट कर लेने के बाद हमें चिकन के पीसेस को अच्छी तरीके से डस्ट कर लेना है। इस तरीके से देखिए एटलीस्ट 5 to 6 टाइम चिकन के पीसेस को डस्ट करेंगे, यानी इस तरह से झटक लेंगे। इस तरह से डस्ट करने से चिकन के पीसेस पे अच्छे क्रम्स फॉर्म हो जाएंगे। जितने अच्छे क्रम्स फॉर्म होंगे हमारे चिकन पॉपकॉर्न बिल्कुल KFC स्टाइल बनेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है यहाँ पर। तो देखिए इस तरह से इसको आप प्रेस करते हुए कोट करें, फिर चिकन के पीसेस को इस तरीके से अच्छे से डस्ट कर लें और फिर आप देखेंगे इस पर कितने अच्छे क्रम्स फॉर्म हो गए। तो देखिए 5 to 6 टाइम डस्ट करेंगे हम चिकन के पॉपकॉर्न को और आप देखिए क्रम्स कितने अच्छे फॉर्म हुए हैं। आप देख सकते हैं इस पे क्रम्स। इसी तरीके से हमें सारे चिकन के पीसेस रेडी कर देने हैं। एक इम्पॉर्टेंट टिप और बता दूं मैं यहाँ पर आपको, आपको जितने चिकन के पीसेस फ्राई करने हैं, जितना बड़ा आपका कढ़ाई का साइज़ है उतने ही चिकन के पीसेस को कोट करके रखें, क्योंकि जितने पीसेस हम कोट करेंगे उतने पीसेस हम हाथ के हाथ फ्राई कर लेंगे। पीसेस कोट करने के बाद हम ज़्यादा देर रखेंगे नहीं, नहीं तो चिकन के पीसेस हमारे सॉगी हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे पीसेस को, चिकन के सारे पीसेस को कोट कर लिया। अब मैंने ऑयल हीट करने रख दिया था यहाँ पर। तो देखिए हमारा ऑयल हॉट हो चुका है यहाँ पर। हम इसमें चिकन के पीसेस ऐड कर देंगे। और याद रहे कि जैसे ही आप चिकन के पीसेस को कोट करें आपको बहुत देर रखना नहीं है। ज़्यादा देर रखने से चिकन पॉपकॉर्न हमारे सॉगी हो जाएंगे। तो जैसे ही कोट कर लेंगे हम सारे चिकन के पीसेस को फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमारे चिकन पॉपकॉर्न
यहाँ पर फ्राई होकर रेडी है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे चिकन पॉपकॉर्न हमारे फ्राई हुए, इसमें कितने अच्छे क्रम्स फॉर्म हुए। अभी सारे पॉपकॉर्न्स हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, इसी तरीके से अपने सारे चिकन पॉपकॉर्न रेडी करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे क्रम्स फॉर्म हुए चिकन पर, कितने अच्छे हमारे चिकन पॉपकॉर्न बने। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे पॉपकॉर्न हमारे बने हैं, कितना अच्छा इस पर क्रम फॉर्म हुआ है। और आप इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये जितनी दिखने में अच्छी है इतनी ही क्रिस्पी और क्रंची भी है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।